हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास पर। और आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर है हमारा तरंग। 11th क्लास का जो हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, एक तो हमारा लाइव क्लास चलता है, वो रेगुलर होता है शाम को 8 बजे। ये हमारा रिकॉर्डेड क्लास है जिसको हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक मिलेगा। तो ये अंतिम क्लास है तरंग का, और तरंग 11th क्लास के फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, खासकर इस चैप्टर में। चैप्टर तो छोटा सा है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होते हैं 12th क्लास में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ होगा। खासकर इस चैप्टर के लास्ट में हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा क्लास इसका बेसिक इंट्रोडक्शन फाउंडेशन क्लास है, जिसमें हम तरंग के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। ओके, चलिए तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ। इससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ अनएकेडमी का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है अनसेट एग्ज़ाम। ये अनएकेडमी एक नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट नाम से एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर रहा है, टेस्ट जो कि ऑफलाइन है। यह टेस्ट ऑफलाइन होगा आपका, जो 40 सिटीज़ पर 40 शहरों पर आयोजित किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। यहाँ पर आपको IIT JEE नीट UG क्लास 9th एंड 10th के लिए यह टेस्ट होगा, और इस टेस्ट का डेट है June 4th and 5th, 4 जून और 5 जून। 4 जून और 5 जून ये आपको एग्ज़ाम का डेट है। और इसमें इनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड JP Sir Life यूज़ करेंगे। इसमें आप इनरोल करने के लिए, इस कोर्स को लेने के लिए, आप इस टेस्ट को लेने के लिए आप JP Sir Life यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस टेस्ट से आपको क्या फ़ायदे होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 90% अप टू 90% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वो आपको अनएकेडमी के जो सेंटर्स हैं, यदि आप अनएकेडमी के सेंटर्स पर पढ़ाई करते हैं वहाँ, और यदि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं वहाँ, आपको 90% तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो टॉप 40 रैंकर्स हैं उनको आईफोन अवार्ड के रूप में मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात, जब आप ऑफलाइन टेस्ट पर सेंटर में जाओगे तो आपको अनएकेडमी का टी शर्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अनएकेडमी का टी शर्ट तो आपको सेंटर में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। आप इसको ज़रूर, इस टेस्ट को आप इनरोल करो। ये 2 जून इसका इनरोलमेंट का लास्ट डेट है, मतलब सिर्फ एक दिन है आपके पास। कल इसका लास्ट डेट है इनरोलमेंट का, तो आप इसमें इनरोल करो। और ये बात फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इसको जब आप इनरोल करोगे तो मेरा कोड जरूर यूज़ करना JP Sir Live, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट से आपको कई फायदे हैं। एक तो अभी नीट 2022 का एग्ज़ाम है, तो इस टेस्ट से आप अपने प्रिपरेशन को भी आप चेक कर पाओगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, इतने ढेर सारे इनाम हैं आपके लिए। आपको अनएकेडमी का ऑफलाइन का भी उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और ऑनलाइन के सब्सक्रिप्शन में भी 90% का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, और 40 आईफोन का तो फिर चांस है ही है आपको। 40 बच्चों को आईफोन मिलेगा तो आप समझ सकते हैं, आईफोन बहुत अट्रैक्शन होता है बच्चों का, है ना। चलिए तो एक क्लास आप ज्वाइन करिए और हम स्टार्ट करें आज का क्लास। क्लास है हमारा वेव तरंग। देखो, ये चैप्टर कई मायने में इम्पॉर्टेंट है। कई मायने में मतलब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तरंग का यूज़ आपको 12th क्लास में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जब आप इस चैप्टर के बाद आप 12th क्लास की पढ़ाई करेंगे तो 12th क्लास का तरंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कहाँ कहाँ यूज़ है एक बार आपको नाम बता देता हूँ। आप वहाँ पर यूज़ करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में,
आप सुन लो पहले से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। आपको 12वीं क्लास में प्रत्यावर्ती धारा में इसका जरूरत पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट का, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसी क्लास में। जब भी मैं 11th क्लास में पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, तो सभी स्टूडेंट्स को इस बात के लिए जरूर अलर्ट करता हूँ कि जब आप 12th की पढ़ाई करोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होंगे। 12th में हम पढ़ाते समय बोलते हैं स्टूडेंट्स को, आपने 11th में तरंग में इसको पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम लोग का हाल रहता है कि सर पढ़ा नहीं ठीक से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। ये बेस है, और यही बेस आज मैं पहले दिन के क्लास में आपको इसका बेसिक ही पढ़ाऊंगा। आज तरंग का इंट्रोडक्शन ही दूंगा जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। दूसरा आपका इसका यूज़ होगा तरंग प्रकाशिकी। देखो इस चैप्टर का नाम ही है तरंग प्रकाशिकी, यहाँ आपको काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में। और तीसरा आपको काम आएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंग, देखो ये सब तरंग है, इतने जगह काम आएगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो वेव पढ़ोगे उसको कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। तो आप ध्यान रखना, यह चैप्टर 11th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बाद आपको आगे 12th क्लास के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इतने जगहों में जब इसका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप ध्यान में रखना, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया। अब हम शुरू करते हैं तरंग एक्चुअल में है क्या, वास्तव में तरंग क्या है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा दोलन, और दोलन और तरंग का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो वास्तव में तरंगों में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग के रूप में ऊर्जा विक्षोभ के रूप में, डिस्टर्बेंस के रूप में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुँचते हैं। ये एक्चुअल में तरंग का मुख्य काम है। जैसे मैं आपको बता दूँ एक सामान्य सा एग्जाम्पल जो आपके अप्रोच में बहुत कॉमन चीज़ है, कि सपोज आपने किसी रेस्ट वाटर में, किसी स्थिर जल में एक पत्थर गिरा दिया। मैंने दोलन के चैप्टर में भी इस पर डिस्कस किया था कि मान लो आपने स्थिर जल में एक पत्थर गिरा दिया। स्थिर जल में जैसे ही आप पत्थर गिराएंगे तो आपको मालूम है कि उसके बाद उसके किनारे में इस तरह से ये तरंग बनना शुरू हो जाता है, ये आपने देखा होगा। या इस तरह के एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मान लो ये कोई दृढ़ आधार है, और दृढ़ आधार पर सपोज हमने एक थ्रेड बांध दिया, एक रस्सी अटैच कर दिया, और इस रस्सी को हम इस सिरे से पकड़ के जब ऊपर नीचे करते हैं, उसको अप एंड डाउन करते हैं, तो आप देखे होंगे कि यह इस रूप में विक्षोभ उत्पन्न करता है, यह रस्सी ऊपर नीचे होने लगता है। ये तरंग के एग्जांपल हैं, भी मैं आपको बताऊंगा तरंग के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। मैं तो अभी आपको बिल्कुल जीरो से इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया हूँ, भाई वास्तव में तरंग होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, जब हम इस तरह से तरंग उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर हमने एक पत्थर गिराया, और पत्थर गिराने के बाद ये तरंग उत्पन्न हुआ, और उसको देखने से ऐसा लगता है कि पानी के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, वो केंद्र से धीरे 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 किनारे की ओर जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वास्तव में वो आगे नहीं जाते, वो अपने जगह में अप डाउन होते हैं। हमको देखने से ऐसा लगता है कि पानी धीरे धीरे, तालाब में आप जाके देखो, तालाब यदि शांत हो, कुछ डिस्टर्बेंस ना हो उसमें, तो आप देखोगे कि इस तरह से तरंगें बहुत सुंदर लगता है देखने से उसको, धूप में देखो तो बहुत अच्छा झिलमिलाते रहता है वो। तो वो अप एंड डाउन होता है, तो उसको देखने से लगता है कि वो पानी धीरे 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 किनारे पर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको आपको प्रायोगिक रूप से यदि समझना है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप एक कागज़ का नाव बना लो, और कागज़ का नाव बना के यहाँ पर रख दो। आए बचपन में आपने ऐसा किया भी होगा, एक कागज़ का नाव बना के यहाँ पर रख दो, तो आप देखोगे कि कागज़ का नाव जो पेपर का बोट है वहीं ऊपर उठता है, वहीं नीचे जाता है, वहीं ऊपर उठता है, वहीं नीचे जाता है, वह आगे नहीं जाता। इस बात से प्रूफ हो जाता है कि वास्तव में जो पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो वहीं पर अप डाउन हो रहे हैं। तो आगे बढ़ कौन रहा है, आगे बढ़ रहा है इसका एनर्जी, आगे बढ़ने वाला जो चीज़ है वह क्या है, इसकी ऊर्जा है, या इसको अपन विक्षोभ भी कहते हैं। ये विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता है, क्लियर। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, इस रस्सी को देखने से ऐसा लगता है कि रस्सी आगे बढ़ रहा है, लेकिन रस्सी आगे नहीं बढ़ रहा है, रस्सी तो अपने जगह पर ही ऊपर और नीचे हो रहा है। ये जो नीचे हुआ है वो फिर ऊपर हो जाएगा, फिर ऐसा होता है, इस तरह से अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि तरंग में माध्यम के कण नहीं, बल्कि आगे कौन बढ़ रहा है, ऊर्जा, और पार्टिकल्स तो अपने जगह में ही ऊपर हो रहा है, और अपने जगह में ही क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो
कि ये तरंग में किस तरह की घटना होती है। क्लियर? तो तरंग आपको समझ में आ गया होगा, तरंग क्या है। वास्तव में तरंगों की सहायता से तरंग के रूप में क्या होता है, जो एनर्जी है वह ट्रांसफर होता है। अब एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए कभी कभी मीडियम का जरूरत पड़ता है, कभी नहीं पड़ता। यह तरंगों की प्रकृति पर, उसके प्रकार पर निर्भर करता है। यदि हम देखें वास्तव में तरंग के प्रकार, यदि हम डिस्कस करें इस पर, थोड़ा सा डीप डिस्कस करें, तो तरंग के प्रकार पर यदि हम डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ वेव्स, तो तरंग के बहुत से प्रकार हैं, तरंग के बहुत से प्रकार हैं। एक्चुअल में हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स, हमारा पूरा गैलेक्सी, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, या पूरे हम अपने गैलेक्सी की बात करें, तो यह वास्तव में ऊर्जा का ही एक संगठन है। यह पूर्जा ऊर्जा का ही एक कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर भी आप वर्क होते देख रहे हो, कोई भी वर्क हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा एनर्जी उसमें लॉस हो रहा है। आप कोई वर्क कर रहे हो, एनर्जी लॉस हो रहा है। कहीं पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो किसी न किसी प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप कोई भी कार्य होते देख रहे हो, तो वहाँ पर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो रहा है और दुनिया में कुछ काम नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इस फॉर्म में उस फॉर्म से, उस फॉर्म में उस फॉर्म में, उस फॉर्म से उस फॉर्म में, और पूरा हमारा यूनिवर्स इसी बेस पर संचारित होता है। तो यहाँ पर जो वेव है वह भी वास्तव में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिस्टम है, एक प्रकार है। कि किस प्रकार से होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए हमारे पास ऊर्जा के सोर्स बहुत हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो महत्वपूर्ण तरंग में यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स, यह होता है यांत्रिक तरंग होता है। फिर आपने देखा होगा ध्वनि तरंग, ध्वनि भी तरंग का रूप है, साउंड वेव। फिर आपने देखा होगा प्रकाश तरंग, प्रकाश भी तरंग का रूप है, यह है। और बहुत तरह के तरंगों के कंपन हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये सब तरंग के प्रकार हैं, और इन तरंगों के प्रकार में आप देखते हो कि सबके तरंग के क्या होती है, जो प्रकृति जो होती है, आगे बढ़ने की जो प्रकृति है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, प्रकाश तरंग प्रकाश को अपन क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। अभी जो मैं बता रहा था विद्युत चुंबकीय तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, तरंग के प्रकार हैं, और इन तरंगों के प्रकार में आप देखते हो कि अलग अलग तरंग से क्या होता है, अलग अलग प्रकार से तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। यहाँ पर आप देखो कि ये जो यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है जो मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स को आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो। साउंड वेव को भी क्या है, हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, देख तो नहीं पाते लेकिन हम अपने ईयर के माध्यम से, कान के माध्यम से सुन पाते हैं। प्रकाश तरंग को हम देख पाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एक्चुअल में आर्टिफिशियल वेव्स है, ये आर्टिफिशियल वेव है। इस तरंग की सहायता से, इसको आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ये भी 12th क्लास में पढ़ना है। ध्वनि को नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, और आपको ये 12th क्लास में पढ़ना है। तो प्रकाश तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना है। यहां पर देखो जो आर्टिफिशियल वेव होता है, मतलब मानव निर्मित, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को लेबोरेटरी में बनाया गया है। इसको 12th क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे। हर्ट्ज ने, मैक्सवेल ने, बहुत से वैज्ञानिकों के हेल्प से ये बना। वास्तव में मैक्सवेल को इसका क्रेडिट जाता है, हालांकि इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था। 12th में पढ़ोगे आप। तो एक आर्टिफिशियल वेव है, और जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, देखो जो ध्वनि तरंग है उस तरंग से हम सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो ऑफलाइन क्लास का मोड ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और ऑनलाइन क्लास का मोड। मान लो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे सारे बच्चे मेरे क्लास में बैठे हैं, तो वहां पर मेरे को कोई सिस्टम का जरूरत नहीं है। मैं ध्वनि तरंग प्रेषित करता हूं अपने माउथ से, मुंह से, अब वो सीधा सीधा अपने कान से सुन लेते हैं, किसी डिवाइस का हमको जरूरत नहीं पड़ता।
तो ध्वनि तरंगों की सहायता से हम तरंगों का संप्रेषण सीधा सीधा कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हम ध्वनि तरंग को ज़्यादा दूर तक प्रेषित नहीं कर सकते। क्लासरूम में जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक बच्चे सुन पाएंगे, उससे ज़्यादा दूर के बच्चे नहीं सुन पाएंगे। और अभी हम ऑफलाइन में आपको पढ़ा रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर सुन पा रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संभव हो पाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम ध्वनि तरंगों को अध्यारोपित करके आगे पढ़ेंगे, हम उसको प्रेषित कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत इंपॉर्टेंट तरंग है। जितने भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, ये सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संभव हो पाता है। बहुत महान आविष्कार है। यदि हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता तो इस तरह से हम ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते, हम टेलीफोन पर मोबाइल पर बात नहीं कर सकते, हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जितना भी आप सिस्टम देख रहे हो कम्युनिकेशन का, सब संभव नहीं हो पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में आप पढ़ोगे। एक्चुअल में तरंग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन 11th क्लास में जो तरंग है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। डॉपलर इफेक्ट है इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब यहाँ पर देखो, जो मैकेनिकल वेव्स है, हमको इस क्लास में, इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव्स पढ़ना है। मैकेनिकल वेव्स एक्चुअल में हमको दिखाई देता है। अभी मैंने आपको तालाब के विक्षोभ और इसके बारे में बताया, ये तालाब में पानी की पत्थर गिरा के या रस्सी को, ये सब वास्तव में यांत्रिक तरंग के एग्जाम्पल हैं। तो यांत्रिक तरंग क्या होता है? सीधा सीधा हमको दिखता है, महसूस होता है, वो होते हुए दिखता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें हमको दिखाई नहीं देती, वो केवल डिवाइस की सहायता से उनको रिसीव किया जाता है। जैसे मोबाइल ना हो तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, टीवी ना हो तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यांत्रिक तरंगों का संचरण, यांत्रिक को नहीं कहना चाहिए, पूरा तरंग में सबके लिए लागू होता है। तरंगों का संचरण का मतलब क्या है कि हम इसको ट्रांसमिट कैसे करते हैं। जब तरंग को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करना होता है तो तरंग संचरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना। तरंग संचरण के हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो प्रकार होता है। पहला कहलाता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, ऐसी छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होने से 12th क्लास में बड़ी परेशानी होती है, तो बहुत ध्यान से समझना। अनुप्रस्थ तरंग को अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग। तो भाई ये अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है, किस तरह के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे? तो यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देखो। एक ये मान लो मैंने एक रिजिड सरफेस लिया और यहाँ पर हमने एक तरंग उत्पन्न किया, ये तरंग है। तो ये जो तरंग आप यहाँ पर देख रहे हो, ये तरंग वास्तव में क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंग है और इस तरंग में आप क्या देख रहे हो कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का वास्तव में डेफिनेशन होता क्या है, किस तरह के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ये आप देखो, किस तरह के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। यहां पर ये जो दिशा है यह तरंग संचरण की दिशा है, इस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है। और ये जो आप दिशा देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो वो क्या है, कणों का कंपन मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये तरंग संचरण की दिशा है और ये कणों के कंपन की दिशा है, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और वो आगे जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है इस तरह से, और इसका जो डायरेक्शन है वह इस दिशा में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अनुप्रस्थ तरंग में एक्चुअल में क्या होता है कि यदि तरंग के आगे बढ़ने की दिशा या तरंग संचरण की दिशा, इसको हम कह सकते हैं तरंग के संचरण की दिशा, और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, कि माध्यम का कण यहीं पर ऊपर जा रहा है वहीं पर नीचे आ रहा है, थोड़ी देर बाद यह इस तरह से ऐसा नीचे आएगा। तो ये जो पार्टिकल अभी आप देख रहे हो, ये पार्टिकल अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगा।
इस तरह से आप देख रहे हो कि ये पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहा है, ये जो कण है वो अपने जगह में ही ऊपर जा रहा है, अपने जगह में ही नीचे आ जा रहे हैं। तो यदि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और उसमें तरंग संचरण की दिशा यदि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुनो, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तथा तरंग के संचरण की दिशा दोनों परस्पर लंबवत हो तो इस प्रकार के तरंग को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंग में आप देखो कि ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है इसको हम श्रृंग कहते हैं, ये कहलाता है श्रृंग, इंग्लिश में कहेंगे क्रेस्ट, ये श्रृंग कहलाता है। और नीचे की ओर जो दबा हुआ हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं गर्त, गर्त ट्रफ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ, श्रृंग और गर्त, ऊपर उठे हुए को श्रृंग कहते हैं और नीचे दबे हुए को गर्त कहते हैं। तो ये इसमें श्रृंग और गर्त बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है, जैसे दो गर्त है, एक गर्त ये हुआ और यहाँ पर एक गर्त ये वाला पोजिशन हुआ, ये यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, एक गर्त ये है और इसका पास वाला दूसरा गर्त ये है। तो दोनों के बीच की दूरी को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो तरंग दैर्ध्य का परिभाषा क्या हो जाएगा, दो श्रृंग या दो गर्त तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ तो तरंग दैर्ध्य का परिभाषा क्या हो गया, दो श्रृंग या दो गर्त, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को, यहां पर मैंने गर्त बताया है, वैसे यहां पर यह श्रृंग और यह श्रृंग, इसके बीच का दूरी को भी हम क्या कहेंगे, लेमडा से प्रदर्शित करेंगे, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। क्लियर? तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ये लेमडा। अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला निकल जाएगा, लेमडा मतलब यहाँ पर दूरी है, ठीक है, लेमडा यहाँ पर दूरी है, इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ लेमडा ब्रैकेट में। अब हमको पता है कि चूंकि वेग, यदि हम तरंग के वेग के बारे में बात करें तो वेग भी बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पर क्या है, लेमडा है, और मान लो टी समय है जिसको हम यहाँ पर आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल का यहाँ पर मतलब होता है एक कंप्लीट साइकिल, मतलब एक श्रृंग से दोबारा श्रृंग या एक गर्त से दोबारा गर्त बनने के बीच के जो दूरी है, या एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक चक्र पूरा करने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है, जितना समय लगता है, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। वैसे ये सब आप दोलन के चैप्टर में पढ़ चुके हो, बता चुका हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि दोलन और तरंग का चैप्टर क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को दोलन पढ़ने से पहले तरंग के चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए। तो हमने पहले आपको तरंग पढ़ा दिया है, तरंग का पूरा रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट पर। अब दोलन चूंकि आप पढ़ रहे हो तो उसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ाई कर लिया है, जो रेगुलर क्लास को देख रहा है, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वेग बराबर दूरी बटे समय हो गया, क्योंकि लेमडा दूरी है और टी आवर्तकाल हो गया, समय हो गया। दैट इम्प्लाइज, इसको आगे हम सॉल्व करें तो इसको वन अपॉन टी को न्यू लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा। तो v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है। यहाँ पर हमने वन अपॉन टी को क्या लिख दिया, न्यू लिख दिया। न्यू क्या है, यहाँ पर आवृत्ति है, t आवर्तकाल है और न्यू आवृत्ति है। और एक बटे आवर्तकाल क्या होता है, वो आवृत्ति के बराबर होता है, एक बटे आवर्तकाल आवृत्ति के बराबर होता है। इस प्रकार से वन अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा। तो ये हो गया v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। ये है अनुप्रस्थ तरंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ओके, देखिए इसको एक बार, इसका डेफिनेशन वगैरह आप तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, सेकंड है अनुदैर्ध्य तरंग। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग।
अभी हमने अनुप्रस्थ अवयव पढ़ा, अब अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, देखो यहां पर आप बहुत ध्यान से समझना इसको। ये फिगर मैं बनाता हूं, इसको थोड़ा सा गौर करना। यहां पर जो हम दूरी बना रहे हैं, यहां पर तरंगों का संचरण इसी प्रकार से होता है। कुछ तो फिगर में बना दूं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज फिर वो खाली डिस्कस करने से बिना फिगर के समझ में आएगा नहीं आपको, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा ध्यान से ये मैं फिगर बना देता हूं। इस तरह का जो चित्र आप देख रहे हो ये वास्तव में अनुदैर्ध्य तरंग का फिगर है। यहाँ पर हो क्या क्या रहा है आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, एक डायरेक्शन ये और दूसरा डायरेक्शन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये दूसरे का, तो ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ब्लू कलर से जो मैंने बताया, वास्तव में यह तरंग संचरण की दिशा है, यह तरंग की दिशा, और नीचे जो बनाए गए हैं यह माध्यम में कणों के कंपन की दिशा। कणों का कंपन, तो यहां पर आपको चित्र से समझ में आ गया होगा कि यदि तरंग संचरण की दिशा, एक बार मैं रिपीट करता हूं अनुप्रस्थ को, यदि तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों की कंपन की दिशा परस्पर लंबवत हो तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और यहां पर आप देखो कि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा यदि समान हो, एक ही दिशा में आप देख रहे हो, तो उस प्रकार के तरंग को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा रोटी सेकने का चिमटा होता है जैसे, या आपने छोटा सा कुछ इस जैसा आकृति देखा होगा, ट्यूनिंग फार्क बोलूंगा तो क्या पता आप देखे हो कि नहीं, ऐसे एग्जांपल देना चाहता हूँ जिसको आप समझ सको। उसको हम थोड़ा सा ऐसा हिट कर मार दें तो ऐसा करने के बाद आपने देखा होगा, ये छोटा सा फिगर बना दूं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर समझोगे आप, ये ऐसा, और इसको इसके आर्म्स को इसकी भुजाओं को यदि हम थोड़ा सा ठोकर कर दें तो ये क्या होता है, लेफ्ट साइड जाएगा ऐसा, फिर राइट साइड जाएगा ऐसा, इस तरह से कंपन करता है, तो दोनों ओर कंपन करता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो यहाँ पर आप देखो अनुदैर्ध्य तरंग इस तरह से होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। एक बार सुनो ध्यान से, तरंगों के संचरण की, कणों के कंपन की दिशा और तरंग संचरण की दिशा यदि समान हो तो इस प्रकार के तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूर दूर आपको लाइन दिखाई दे रहा है दूर दूर, इसको हम कहते हैं विरलन, इसको विरलन कहते हैं। जहां जैसे हमने वहां पर श्रृंग और गर्त कहा, वैसी जहां पर तरंगे दूर दूर होती है उनको विरलन कहते हैं, रेयरफैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रेयरफैक्शन। और जो पास पास होता है, ये जो पास पास होता है इसको बोलते हैं संपीडन, इसको संपीडन कहा जाता है, कंप्रेशन। इस प्रकार से देखो कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन ये दो तरह का की घटना यहाँ पर होती है। जब वेव्स दूर दूर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं, और जब वेव्स पास पास होते हैं उसे हम संपीडन कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेयरफैक्शन, इसको कंप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर दो विरलन या दो संपीडन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम वहाँ पर हमने दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा, तो यहाँ पर दो संपीडन या दो विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग, इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंग है।
इन तरंगों में, जिन तरंगों में जो तरंग अनुप्रस्थ होते हैं उनमें ध्रुवण की घटना होती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा ध्रुवण क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखना। और ये जो हम देख रहे हैं ये तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। ये ध्वनि तरंग जो होता है, जो हम बात कर रहे हैं, हमारी बात तो आप सुन पा रहे हो, वो ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, मतलब वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, लेकिन ध्वनि तरंग जो होता है वो कंप्रेशन और रेयर फंक्शन के रूप में चलता है, संपीडन और विलयन के रूप में चलता है। तो ये दोनों तरंगों का आपको देखो पूरे चैप्टर की पढ़ाई, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, या इतने दिन तक आप मेरे से पढ़ रहे हो आपको याद हो गया होगा कि जब मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, मतलब किसी भी न्यू चैप्टर का जो मेरा पहला दिन का क्लास होता है, उसमें मैं बहुत सूक्ष्मता से छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करता हूँ, और वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है या उन चीज़ों को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आगे चैप्टर अपने आप डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यदि आपने उन चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ा तो चैप्टर आगे अपने आप ईजी हो जाता है। क्योंकि देखो अब मैं आगे चल के ये अनुप्रस्थ है, ये अनुदैर्ध्य है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, ऐसा बोलूँगा आपको समझ में आएगा नहीं जब तक आप इसको नहीं समझ रहोगे। तो इतना टॉपिक आप तैयार करो, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एंटर कराएंगे, वो है प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। ये दो वेव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डॉपलर इफेक्ट वगैरह पर 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में इसका इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।